नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जाएंगे मॉस्किटो रिपेलेंट, मतलब जो आज के मच्छर जो लगते हैं हमारे घर में, तो उसके लिए हम देसी नुस्खा से तैयार किया हुआ एक मॉस्किटो रिपेलेंट बनाएंगे, जो उसे लगाने के बाद आपके घर में मच्छर नहीं आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमें कुछ घर के ही वस्तु चाहिए जो घर पे मिल जाते हैं आसानी से, और एक नीम का पत्ता चाहिए, वो भी आपके पेड़ पौधे आपके घर बगीचे कहीं भी आपके आसपास मिल जाएंगे। तो हम बारिश का दिन आ गया है, बारिश के दिन में ज़्यादातर मच्छर लगते हैं, जैसे कि जहाँ कचरे वचरे ज़्यादा हो, और उसकी वजह से आप में हमारे घर में बहुत सारे मच्छर लगते हैं। तो हमें दोस्तों क्या करना है कि नीम का पत्ता ले लेना है, ठीक है, पेड़ पे से नीम का पत्ता तोड़ लेना है, और उसमें से डंडी में से नीम का पत्ता धीरे धीरे उसे अलग कर देना है छोटे छोटे करके। अब नीम के पत्ते के साथ दूसरा चीज़ है, हमें लेना है कपूर, ठीक है दोस्तों, उसके साथ लेना है कपूर। तो अब हमें क्या करना है कि नीम का जो पत्ता है उसे ग्राइंड कर लेना है, ग्राइंडर जो मिक्सर होता है आपका, तो उसके अंदर पत्ते जो टुकड़े तोड़ तोड़ के उसमें डाल देना है, और थोड़ा सा पानी मिला के उसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। देखो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये हमारा एक लिक्विड पेस्ट बन गया है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लिया हूँ, देख सकते हैं। तो ये बर्तन में निकालना है तो आपको क्या करना है, ऊपर जो कचरे होते हैं उसे छान लेना है। तो आपको नीम का पत्ता का जो पेस्ट बना हुआ है उसे एक छलनी की मदद से इसके छान के उसका जूस निकाल लेना है, और जो ये पेस्ट बचा हुआ है आप देख रहे हैं तो उसे आपको फेंकना नहीं है, ये आप अपने स्किन पे चेहरे पे भी लगा सकते हैं। इसके अंदर टमाटो मिक्स करके या नींबू का जूस मिक्स करके आप इस पर स्किन पे अप्लाई कर सकते हो, वो छोड़ते हो, उसकी बात हम बाद में करेंगे उसे कैसे तैयार करना। तो आइए दोस्तों ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे छाना है, इस तरह आपको छान के ये निकाल लेना है। निकाल के फिर बाद में आपको क्या करना है, इसके साथ आपको कपूर मिक्स करना है। कपूर जो होता है, मैंने कुछ बड़े कपूर जिससे ज़्यादा फायदे करेंगे, जो चौड़े चौड़े आते हैं स्क्वायर में, तो आपको वो कपूर ले लेना है। तो कपूर को उसको मतलब ग्राइंड करके पाउडर जैसा बना लेना है, और आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी जूना आपके पास मॉस्किटो मशीन है रिपेलेंट, और आप में ख़त्म हो गया है उसको, आपको पहले का जो जितने भी मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं उसके अंदर मतलब केमिकल्स आते हैं, वो आप जलाओगे तो रात में आपके सांसों को प्रॉब्लम आएगी, बच्चे को तो अक्सर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि छोटे होते हैं, उनको सांस लेने की मतलब उतनी क्षमता कम होती है, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से देखो ये बॉटल खाली है, अब इसके अंदर से मैंने जो मेरा जूनी बॉटल है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी इसको आपको क्या करना है कि कपूर को अच्छी तरीके से अंदर मिक्स कर लेना है, मिक्स करके उसके अंदर दोनों को बॉटल के अंदर डाल देना है। फिर बॉटल के अंदर डालने के बाद आपको ऐसे बराबर से अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको इस तरह से, देखो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको लगा देना है। ये आपका जो मशीन है, मशीन को ले जाके बोर्ड में लगाइए और बोर्ड को इस तरीके से चालू कर दीजिए, ये आपका बोर्ड चालू हो जाएगा। फिर इससे धीरे धीरे जब गर्म होगा तो ये आपका जब धुआं उसमें से निकलेंगे तो मॉस्किटो क्या है, हम इसमें नीम यूज़ किए हैं और कपूर यूज़ किए हैं, तो नीम में दोस्तों बात की जाए तो उसमें एक बहुत ही अच्छे गुण होते हैं, अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है ये नुस्खा। ये मतलब देसी नुस्खा है जो मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही है, मैंने आपको जानकारी दे दी है इस तरह आपको बनाना है, इस तरह आप बना के अपने घर के सारे मच्छर को भगा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों।